हेलो भाई और सहेलियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन में कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग कैसे किए जाती है। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में हमको, ये देखिए ये एंड्रॉयड फ़ोन है हमारे पास, कितने ऑप्शन रहते हैं इसमें, फॉरवर्ड वेन बिजी, फॉरवर्ड वेन अनआंसर्ड, फॉरवर्ड वेन अनरीचेबल, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन रहते हैं एंड्रॉयड में। मगर आईफोन में कोई सा भी आईफोन जो iOS के 8 वर्सन के ऊपर हो, उसमें आपको ये सब कंडीशनल वेन बिजी वेन रीचेबल ये कैसे करना है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे डीएक्टिवेट करना है, ठीक है दोस्तों। ये मैं अपना मोबाइल खोल लेता हूँ। सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद आप फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद ये कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है। सपोज़ मेरे पास तो 12 प्रो मैक्स है तो इसमें जियो में गया तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये एक ही ऑप्शन दिए रहता है जिसे कंप्लीट कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगी, मगर हमको वो नहीं करना है, हमको इस टाइप का चाहिए। जैसे अनरीचेबल है तो इस नंबर में फॉरवर्ड हो जाए, तो वो कैसे एक्टिवेट करते हैं आईफोन में, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से बाहर निकल लीजिए, फ़ोन खोलिए, ये अपना डायलर खोल लीजिए, आपको जिस लाइन में ये चेंज करना है। अब मैं इसका आपको वन बाय वन बताते जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फॉरवर्ड वेन बिजी, इसको कैसे एक्टिवेट करना है आपके आईफोन में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको लिख के भी रखा है, *67* फिर मोबाइल नंबर, फिर *11# फिर कॉल में आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जिस भी नंबर में आपको करना हो, ये जैसे *67* और सपोज मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये *67* और जिस भी मोबाइल नंबर में आपको फॉरवर्ड करना वो डालना है, फॉरवर्ड वेन बिजी के लिए *111# कर देना है। फिर ये कॉल का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको टैप कर देना। ये देखिए दोस्तों जैसे ही आप कॉल में टैप करेंगे ये आपका कॉल फॉरवर्डिंग वेन बिजी एक्टिवेशन सक्सीडेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरवर्ड वेन अनआंसर्ड और फॉरवर्ड वेन नॉट आंसर्ड, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आपको *61* मतलब जिस मोबाइल में आपको फॉरवर्ड करना है *111*15# करना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ अपने नंबर से, ये देखिए दोस्तों *61* फिर मोबाइल नंबर, फिर *111*15# करना है और ये कॉल के बटन में आपको टैप करना है। जैसे ही कॉल के बटन में टैप करते हो ये देखिए सेटिंग्स एक्टिवेशन सक्सेसफुल कॉल फॉरवर्डिंग वेन नॉट आंसर, ये सक्सेसफुल हो गया अपना। अब दोस्तों तीसरा और आखिरी ऑप्शन मैं आपको एक्टिवेट करना बता दे रहा हूँ, जब फॉरवर्ड वेन अनरीचेबल, जब आपका फ़ोन अनरीचेबल हो तब आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों फॉरवर्ड वेन अनरीचेबल *62* मोबाइल नंबर *111# और कॉल में टैप कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास फ़ोन है, मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों *62* अपना मोबाइल नंबर, फिर *111# ये कॉल फॉरवर्डिंग है वेन अनरीचेबल के लिए, उसके बाद इसमें टैप में आपको क्लिक कर देना है कॉलिंग के बटन में। ये देखिए दोस्तों सेटिंग एक्टिवेशन कॉल फॉरवर्डिंग वेन अनरीचेबल सक्सेसफुल, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको एक्टिवेट करना बता दिया है किस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ एक्टिवेट करनी है। अब मैं आपको डीएक्टिवेट करना भी बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको अगर ये तीनों चीज़ें डीएक्टिवेट करनी है, ओके। देखिए दोस्तों कॉल फॉरवर्ड वेन बिजी को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस अपने फ़ोन में डायलर में *67# टैप करना है और कॉल का बटन दबा देना है, डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, *67# में क्लिक कर दिया मैं, अब मेरी कॉल फॉरवर्डिंग वेन बिजी वाला जो ऑप्शन है या डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये कॉल में टैप कर दिया।
ये देखिए दोस्तों, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन बिजी इज आर डीएक्टिवेटेड इरेज्ड करके आपके पास पूरा मैसेज आ गया सक्सीडेड। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, फॉरवर्ड व्हेन नॉट आंसर्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको करना हैज़ 61 और कॉल में टैप कर देना है, फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये करके मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल हैज़ 61 हैज़। ठीक है, तो आप कॉल में टैप कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, व्हेन अनआंसर्ड, व्हेन नॉट आंसर्ड, ऑल सक्सीडेड सक्सेसफुली, इरेज्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये थर्ड ऑप्शन जो है, फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल, डीएक्टिवेट फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डबल हैज़ 62 हैज़ करके आपको कॉल में टैप करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हैज़ 62 हैज़, ये फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल को डीएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप कॉल में टैप कर दिया मैंने, ये देखिए दोस्तों, ये भी इरेज सक्सेसफुल हो गया व्हेन अनरीचेबल। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन आपको किसी भी आईफोन में ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आखिरी ऑप्शन बता दे रहा हूँ कैसे डीएक्टिवेट करना है। आपको सारी प्रकार की कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट करना है, हमें किसी भी नंबर पे कॉल फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये हमेशा ऑल कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट करने के लिए आपको हैज़ 21 हैज़ दबाना है और टैप पे कॉल करना। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इससे आप सब प्रकार की कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। हैज़ 21 हैज़, अब इसको इसमें क्लिक कर दिया मैं, ये देखिए दोस्तों, सक्सीडेड वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग ऑन ऑल कॉल, सारे प्रकार के फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट सक्सीडेड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी आईफोन में कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट, कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।